हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दें और इस रीडिंग को अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए देखें, तभी अच्छे से आपके साथ आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके मोबाइल में जो आपकी पिक्चर्स हैं उन्हें देख रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनके ट्रू लवर हैं, उनके सोलमेट हैं। आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसुओं का सैलाब सा आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आप पर गुस्सा किया है, आपसे किसी छोटी सी बात पर झगड़ा कर लिया है, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हैं, बट एक दूसरे के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आप दोनों की शादी फिक्स होते होते रह गई है। आपकी शादी फिक्स होने वाली थी, बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उसकी वजह से ही आप दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आई है। अभी आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं और बात भी करना चाहते हैं, बट आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से उनसे बात की जाए। वो भी यही सोच रहे हैं कि आप उनको पहले कॉल कर लें तो वो आपसे बात कर लेंगे, बट आप भी अपने ईगो में हैं, ईगो की वजह से उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एक दूसरे के साथ आपने जीवन बिताने की सारी ही प्लानिंग कर ली है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप दोनों कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते थे और वो टिकट भी आपके कैंसिल हुए हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को आपका शर्ट्स पहनना पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि आप लेट नाइट ऑनलाइन रहें। उनको लेट नाइट आपका ऑनलाइन रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी फैमिली भी इस बात से नाराज़ है आपसे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन इन्हीं सारी बातों को सोच सोच कर बहुत परेशान है। व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आई होप आपसे रेजोनेट की हो।